इज इट ओके विद एवरीवन? एग्जाम की डेट क्या है? एग्जाम की डेट क्या है? जल्दी से बताओ। डोंट वरी, नवंबर से हम लोग क्या करेंगे, सुनो मेरी बात। एक चीज और, अपने मॉर्निंग बैच में मैंने ये प्रैक्टिस शुरू कर दी है, आप लोगों के बैच में मैं नवंबर से शुरू कर दूंगी। मंडे टू फ्राइडे हम क्लास करते हैं, यही होता है हमारा स्केड्यूल, 8:45 to 9:45। ठीक है, हम लोग 1 नवंबर से क्या करेंगे, देखो मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ आप लोगों को। 1 नवंबर से क्या करेंगे, मंडे टू वेडनेसडे, क्योंकि आपके इंपॉर्टेंट सारे चैप्टर्स अक्टूबर में हो जाएंगे, नरेशन भी हो जाएगा, वॉइस भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो ऑलमोस्ट सारे सेंटेंसेस हो जाएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके हो जाएंगे अक्टूबर में। तो बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स बचेंगे जो नवंबर के लिए हम लोग रखेंगे। ठीक है, उसके बाद मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, ये 3 डेज जो है वो मैं क्लासेस लूंगी जब हम न्यू चैप्टर्स करेंगे। ठीक है, न्यू चैप्टर्स जो आपके अक्टूबर में चैप्टर्स कवर नहीं होंगे, विच दो चैप्टर्स विच विल नॉट बी कवर्ड इन अक्टूबर, उन न्यू चैप्टर्स को कवर करने के लिए हम मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे को यूज करेंगे नवंबर से, 1st ऑफ नवंबर से। और जो 2 दिन आपके पास यहाँ पे बचे हैं, थर्सडे एंड फ्राइडे, ये 2 दिन, इन 2 दिन हम लोग इंग्लिश ग्रामर को रिवाइज करेंगे। जो भी चैप्टर्स हम पढ़ चुके हैं, वॉट एवर चैप्टर्स वी हैव डन, आर्टिकल्स किया हमने, ठीक है, और हमने क्या किया, हमने वर्ब किया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किया, नाउन किया, ठीक है, ये सब चैप्टर्स हम कर चुके हैं। प्रेपोजिशन किया है हमने, नहीं किया ना अभी, वी हैव नॉट डन प्रेपोजिशन। ओके, तो प्रेपोजिशन भी हम लोग अक्टूबर में फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो ये वाले जो चैप्टर्स हम कर चुके हैं, और 31 अक्टूबर तक जो भी चैप्टर्स हो जाएंगे आपके, उन सबको मैं आपको यहाँ पे थर्सडे और फ्राइडे को रिवाइज करा दूंगी 1 नवंबर से। ठीक है, और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को हम लोग न्यू चैप्टर्स किया करेंगे। ओके, बताओ ये कैसा प्लान है? इफ यू गाइज वॉन्ट मी टू मेक यू रिवाइज द इंग्लिश ग्रामर, तो हम लोग ये एक स्केड्यूल फॉलो कर सकते हैं अपनी क्लासेस में। अगर मैक्सिमम बच्चे इस रिवीजन शेड्यूल के लिए अग्री करेंगे कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हमें न्यू चैप्टर्स करा दो, ठीक है, और ये हम 1 नवंबर से फॉलो करेंगे, 1 मंथ रिवीजन करेंगे प्रॉपर। ठीक है, वेडनेसडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे न्यू चैप्टर्स करा दो, और थर्सडे फ्राइडे को हमें रिविजन करा दो उन चैप्टर्स की जो हम कर चुके हैं। अगर मैक्सिमम बच्चे इस रिविजन स्ट्रैटेजी पे यस बोलेंगे तो ही इसको मैं आप लोगों के बैच में इंप्लीमेंट करूंगी। ठीक है, एल्स मैं इसको नहीं करूंगी, फिर आप लोग खुद से अपना रिविजन प्लान करोगे। ठीक है, इफ यू गाइज वॉन्ट मी टू मेक यू रिवाइज थिंग्स, तो हम लोग थर्सडे को 1 चैप्टर कर सकते हैं, फ्राइडे को 1 चैप्टर कर सकते हैं, या मे बी छोटा चैप्टर है तो 2 चैप्टर्स कर सकते हैं, जैसे मैं अपने मॉर्निंग बैच में करा रही हूँ वैसे मैं आपको भी करा सकती हूँ। ठीक है, तो आपकी रिविजन इंग्लिश की जो पार्ट 1 है आपके सिलेबस का, वो सारा मैं आपको अच्छे से करा दूंगी, ग्रामर पोर्शन। ठीक है, आर्टिकल्स वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाउन, उसके बाद आपका टेंसेस करा दूंगी रिवाइज, वॉइस नरेशन सेंटेंसेस, या जो भी चैप्टर प्रेपोजिशन, जो भी चैप्टर हम लोग कर लेंगे, ऑलमोस्ट सारा सिलेबस थर्सडेज एंड फ्राइडेज को मैं आपको रिवाइज करा दूंगी। ठीक है, तो अब से जो हम क्लासेस रखेंगे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये 1 नवंबर से हम लोग करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, न्यू चैप्टर्स किया करेंगे इन 3 डेज में, और थर्सडे और फ्राइडे को हम लोग क्या करेंगे, जितने भी चैप्टर्स, ओल्ड चैप्टर्स
जो हम कंप्लीट कर चुके हैं उनको हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। ठीक है, अब देखो हमारे पास बहुत सारे दिन है अभी, ऐसा नहीं है कि नहीं है, आप लोग खुद से भी अपनी रिविजन प्लान करना। ठीक है, किसी को रिविजन प्लान करने में प्रॉब्लम आएगी तो आई एम ऑलवेज देयर। ठीक है, मैं आपकी हेल्प भी करा दूंगी रिविजन प्लान करने में, दैट इज ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम। अभी हमारे पास बहुत सारे दिन है अक्टूबर में, ठीक है, अभी हम लोग फिनिश कर लेंगे कुछ चैप्टर्स। नवंबर में हमारे पास सेकेंड एंड थर्ड, 9th एंड 10th, 16th एंड 17th, 23rd एंड 24th, टेंटेटिवली 29th एंड आपका एग्जाम टेंटेटिव, राइट? अगर 29th को होता है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 डेज है हमारे पास, राइट? और मुझे एक बात बताओ, ठीक है, 8 डेज है हमारे पास, मैं इन 8 डेज को प्लान कर लूंगी रिविजन में। ठीक है, बट द थिंग इज जो आपकी रिविजन क्लासेस होंगी ना, ये 1 आवर से थोड़ी सी ज्यादा होंगी, मे बी 1.5 आवर, 30 मिनट्स हम एक्स्ट्रा देंगे सो दैट हम 8 डेज में मैक्सिमम सिलेबस रिवाइज कर लें। ठीक है, सो दैट हम 8 डेज में क्या कर लें, मैक्सिमम सिलेबस को क्या कर लें, रिवाइज कर लें। ठीक है, ओके, ये नया ठीक रहेगा ना 1 नवंबर से? लेट मी जस्ट चेक द कॉमेंट सेक्शन, हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्चुअली वॉन्टिंग मी टू एग्जीक्यूट दिस। ओके, सो ऑलमोस्ट एवरी वन इज रिप्लाइड येस, तो आपकी इंग्लिश की जो ग्रामर की रिविजन है एग्जाम से पहले मैं आपको करा दूंगी। अगर 29th को एग्जाम होता है तो भी आपकी रिविजन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, और 29th को फॉर 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 यू नो इंस्टेंस, फॉर इंस्टेंस हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि अगर एग्जाम नहीं हो रहा है, डेट थोड़ी सी भी आगे शिफ्ट हो रही है, तो भी हम थर्सडेज एंड फ्राइडेज को रिविजन के लिए यूज करेंगे। ठीक है, अब जो मैं रिविजन कराऊंगी ये याद रखना, सैटरडे को सब लोग टेस्ट जरूर दे देना। ठीक है, और एग्जाम का ये जो 1 महीना है नवंबर, इसमें सारे सैटरडेज, जितने भी सैटरडेज आएंगे सब सैटरडेज को टेस्ट देना, और हर टेस्ट के बाद, लाइक अभी जो इस सैटरडे टेस्ट दोगे, ठीक है, अभी ये जो आपका सैटरडे आएगा इस वीक, इसको जो टेस्ट दोगे, हर सैटरडे के बाद आप लोग जो भी इंटरेस्टेड हो अपना इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, अब देखो मुझे पता नहीं चलेगा ना आप लोग कितना बेटर कर रहे हो और कहाँ पे लैक कर रहे हो, अपना इंडिविजुअल परफॉर्मेंस मुझे व्हाट्सएप पे बताओगे। ठीक है, कहाँ पे प्रॉब्लम है आपके परफॉर्मेंस में, हम उसको एनालाइज करेंगे और उसको ठीक करेंगे। ठीक है, पता है क्या, कट ऑफ मार्क्स ना ऐसे नहीं पता चलेगा आपको, मैं आपको बताती हूँ, कट ऑफ जो है वो डिपेंड करेगा कि आपका पेपर कैसा आ रहा है। ठीक है, अगर पेपर बहुत इजी हुआ, वेरी वेरी इजी, तो कट ऑफ काफी ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, अगर पेपर हुआ डिफिकल्ट, तो कट ऑफ जो है वो बेसिकली कैसा जाएगा, लो जाएगा। ठीक है, बट हम लोग ना कट ऑफ का सोचने की बजाय अभी ये सोचें कि इंग्लिश में मैक्सिमम कैसे स्कोर करना है। ठीक है, तो जो सैटरडेज को आप टेस्ट दोगे ना, बस उनका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस मुझे व्हाट्सएप करना, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है उसको एनालाइज करके हम लोग उसको करेक्ट करेंगे, ताकि जब नेक्स्ट सैटरडे को आप टेस्ट दो वो सेम मिस्टेक्स आप रिपीट ना करो। सेम सेम मिस्टेक हर टेस्ट में रिपीट करोगे ना अगर, तो एग्जाम में भी आप सेम मिस्टेक ही रिपीट करके आओगे डेफिनेटली। सो आई डोंट वॉन्ट यू टू रिपीट योर मिस्टेक्स, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। ठीक है, रादर ट्राई टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक एंड लर्न फ्रॉम एवरी टेस्ट। ठीक है, इसको रिवर्स लर्निंग भी बोलते हैं, रिवर्स लर्निंग। रिवर्स लर्निंग का क्या मतलब है, आपने टेस्ट दिया, टेस्ट में कुछ चीज आपको नई लगी, यू फाउंड समथिंग न्यू इन द टेस्ट, उसको सीख लो, आपको नहीं आती है तो उसको सीख लो। अब नेक्स्ट टाइम अगर टेस्ट टेस्ट में या पेपर में कोई नया क्वेश्चन आएगा तो आपको वो पहले से पता होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उनमें भी अगर आप सॉल्व कर रहे हो, अगर कुछ चीज नहीं आ रही है तो उसको सीख लो सिंपल, ताकि नेक्स्ट पेपर में जब चीजें आए तो आपको दोबारा से उन चीजों को लेके कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो इसी के साथ अभी क्लास शुरू करते हैं। ओके, चलिए
व्हाट वर वी डूइंग, वी वर डूइंग टेंसेस. आज बहुत कम बचे हैं क्या, क्या हुआ आज, आज सब लोग आए क्यों नहीं? अब मेरी एक बात सुन लो सब, आज से ही, इनफैक्ट आज से ही रोज थोड़ा थोड़ा रिवाइज करना शुरू कर दो पार्ट टू, ठीक है? एंटोनिम, सिनोनिम, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स, ये जो है, होमोनिम्स जो है, ये सब चीजें ना थोड़ी थोड़ी करके रिवाइज करना शुरू कर दो. इंस्टीट्यूट आपको नोट्स प्रोवाइड करा देगा, ठीक है, या जो भी एक पर्टिकुलर बुक आप फॉलो कर रहे हो वहां से, इंस्टीट्यूट से आपको नोट्स चाहिए वहां से भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है? दे विल प्रोवाइड यू विद द पीडीएफ्स, राइट? तो आप लोग बेसिकली इसको पढ़ना शुरू करो, ठीक है? और रोज के 10-10 जो है एंटोनिम सिनोनिम इस तरीके से करना शुरू करो. कुछ वर्ड्स जो मैं आपको ग्रुप में भेज रही हूँ वो तो आप डेफिनेटली काम कर ही रहोगे उनके ऊपर, बट बुक्स में से भी उनको प्रैक्टिस करना शुरू करो, ठीक है? सो पार्ट टू जो है वो सब लर्निंग वाला पार्ट है, उसको आपको क्रैम करना पड़ेगा, यू विल हैव टू क्रैम इट, राइट? चलिए, विद दिस लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग टेंसेस पढ़ रहे थे ना. देखो टेंस क्या होता है, टी फॉर टेंस, टी फॉर टाइम. तो टेंस हमें क्या बताता है, टाइम ऑफ एक्शन. सेंटेंस में सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है? ओके, अब देखो सब्जेक्ट क्या परफॉर्म करेगा वर्ब को, वर्ब क्या होता है, एक्शन. अब जब सब्जेक्ट जो है वो वर्ब को परफॉर्म कर रहा है, यानी सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, ये एक्शन जो है ये कब परफॉर्म हो रहा है, किस टाइम परफॉर्म हो रहा है, वो बेसिकली टाइम क्या है, टेंस है, दैट इज व्हाट, टेंस, ठीक है? तो ये जो एक्शन है, सब्जेक्ट इस एक्शन को किस टाइम पे परफॉर्म कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, टेंस. 12 टाइप का, मेनली 3 टाइप का होता है, उसके फर्दर आगे 4 टाइप्स हो जाते हैं, तो हेंस वो 12 टाइप्स हम बोल देते हैं, ठीक है? अब देखो नेक्स्ट, ये इमेज आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लगाई थी ताकि थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जा सके सब चीजों को, ठीक है? थोड़ा सा बच्चों वाला आपको लगेगा, बट दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, हम बच्चे ही हैं और बच्चों की तरह ही हमें पढ़ना है. राइट अभी चलो नेक्स्ट. तो आज हम कहाँ से शुरू करेंगे, आज हम लोग शुरू करेंगे फ्यूचर टेंस से. अब फ्यूचर टेंस क्या होता है, जहां पे हम फ्यूचर की बात करते हैं, हम टुमारो की बात करते हैं, हम डे आफ्टर टुमारो की बात करते हैं, ठीक है? हम लोग किस चीज की बात करते हैं, हम लोग फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट वीक की बात कर रहे हैं, हम लोग अभी नवंबर की बात कर रहे थे, ठीक है? हम लोग फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ये सब बेसिकली क्या है, ये सब बेसिकली क्या है आपके, ये सब आपका फ्यूचर ही तो है, ठीक है? आने वाले टाइम में जो चीजें हो रही हैं या होने वाली हैं उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, फ्यूचर टेंस बोलते हैं, राइट? राइट, यहाँ पे देखो सिंपल फ्यूचर, सबसे पहला फ्यूचर टेंस कौन सा होगा, सिंपल फ्यूचर, इसको हम किस नाम से जानते हैं, फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस के नाम से भी जानते हैं, पढ़ते हैं ना हम लोग फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस, तो सिंपल फ्यूचर ही फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस होता है. अब सिंपल फ्यूचर टेंस में आप कैसी चीजें लिखते हो, इट इज यूज टू एक्सप्रेस सिंपल एक्शन ऑफ फ्यूचर. कैसे एक्शन ऑफ फ्यूचर, सिंपल एक्शन, जो कमिंग टाइम में काम होना है उसको एक्सप्रेस करने के लिए आप क्या यूज करते हो, फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस में भी कौन सा, फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस, जैसे कोई काम अगर मैं कल करने वाली हूँ, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल वी विल रिवाइज टुमारो, ठीक है? तो अब ये क्या कह रहा है कि हम लोग कल रिवाइज करेंगे, यानी आने वाले कल रिवाइज करेंगे, ठीक है? यानी आज अगर 23rd अक्टूबर है तो 24th अक्टूबर को रिवाइज करने की बात बोल रहा है, यानी टुमारो की जब बात हो रही है दैट मीन्स किसकी बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, वी विल रिवाइज टुमारो, ठीक है? तो हम लोग कब रिवाइज करेंगे, टुमारो रिवाइज करेंगे,
ओके okay? तो जब भी हमें आने वाले कल में का जो काम करना है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्यूचर टेंस। और सिंपल एक्शंस जो हैं, मैं कल पढ़ूंगी, मैं कल सोऊंगी, मैं कल खाना खाऊंगी, ठीक है, हम कल मार्केट जाएंगे, ये सब सिंपल फ्यूचर टेंस के, सिंपल फ्यूचर टेंस के क्या है, सेंटेंसेस है, राइट। अब देखो सिंपल फ्यूचर टेंस में एफर्मेटिव सेंटेंस, अभी एफर्मेटिव सेंटेंस पे आने से पहले मैं आप लोगों को सेंटेंस चैप्टर पढ़ा चुकी, सेंटेंस चैप्टर नहीं पढ़ाया बट सेंटेंस चैप्टर में एक छोटू सा टॉपिक आपको कराया था। कौन सा टॉपिक? कि सेंटेंसेस क्या होते हैं। देखो ये क्या पूरा लिखा हुआ है, ये सेंटेंस ही तो है। व्हाट इज दिस? दिस इज सेंटेंस, यानी सेंटेंस क्या हुआ, समझने की कोशिश करो। देखो वर्ड्स है ना ये सब, तो सेंटेंस क्या हुआ, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। अब ये सब का अपना एक मीनिंग भी है, तो हेंस ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो आपको क्या दे, मीनिंगफुल सेंस दे, उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं, राइट। उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस। अब सेंटेंसेस के टाइप्स पढ़ाए थे आपको, याद है? नंबर वन क्या पढ़ाया था, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या था, जहां पे हम कोई भी फैक्ट को मेंशन कर दें, कोई भी फैक्ट हो सकता है, जैसे ये भी फैक्ट है, शी विल सिंग अ स्वीट सॉन्ग, आई विल टेक योर क्लास, ये भी तो फैक्ट ही है। तो कुछ भी जब आप स्टेट करते हो, कुछ भी मेंशन करते हो, ऐसा सेंटेंस बहुत सिंपल टर्म्स में, उसको हम एसर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। एसर्टिव सेंटेंस दो तरीके का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव वाले सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, एफर्मेटिव भी बोलते हैं, और नेगेटिव वाले को नेगेटिव ही बोलते हैं, ठीक है। ये पढ़ा था हमने। फिर हमने सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस कौन सा पढ़ा था स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन सा है, जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, Have you done your homework? आज जो मैंने होमवर्क दिया था वो आपने किया? Have you done your homework? ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हुआ आपका, ये कैसा सेंटेंस हुआ, वॉट काइंड ऑफ सेंटेंस इज दिस, इंटेरोगेटिव। क्यों है ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि यहां मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ठीक है, क्वेश्चन ही पूछ रही हूँ ना, हैव यू डन योर होमवर्क। तो ऐसे सेंटेंसेस जहां आप बेसिकली किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो या आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, उन सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव। जैसे आप घर जाओ, अपने घर पे अपनी मदर से पूछो, व्हाट हैव यू मेड इन डिनर, व्हाट व्हाट हैव यू मेड इन डिनर, तो ये भी तो क्वेश्चन है, आप पूछ रहे हो मम्मा क्या खाना बनाया, पूछ रहे हो ना आप अपनी मम्मा से, तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। जहां पे भी आप क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जहां पे भी आप बेसिकली क्या करते हो, सडन इमोशंस एक्सप्रेस करते हो। फॉर एग्जाम्पल नवंबर में आपका एग्जाम है, फॉर एग्जाम्पल 29 को, अब 29 को एग्जाम होने के बाद 1 month बाद आपका रिजल्ट आया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 29 दिसंबर को, और जब रिजल्ट शीट में आपने अपना रोल नंबर देखा तो आपका एग्जाम हो गया क्लियर। अब आपके सडन इमोशंस क्या होंगे, वाओ आई क्लियर द एग्जाम, वाओ आई क्लियर द एग्जाम, तो ये क्या हुआ, सडन इमोशन ऑफ हैप्पीनेस ही हुआ ना, वाओ आई क्लियर द एग्जाम, ठीक है। तो ऐसे सडन इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है। सो दिस इज योर थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस। उसके बाद फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस क्या होता है, ऑपरेटिव सेंटेंस, ठीक है, ये सब हम करेंगे। फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस क्या होता है, ऑपरेटिव सेंटेंस। ऑपरेटिव सेंटेंस कौन सा होता है, जहां पे आप एग्जाम के लिए जा रहे हो 29 नवंबर को, और जाने से पहले मैं आपको बोलूं ऑल द बेस्ट एवरी वन, ठीक है, दिस इज अ काइंड ऑफ विश, तो यहाँ पे मैं आपको क्या दे रही हूँ, विश। तो कोई भी ऐसा सेंटेंस जहां आप किसी के लिए अच्छा विश कर रहे हो या बुरा विश कर रहे हो, आप किसी को कर्स कर रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी के लिए प्रे कर रहे हो, तो ऐसी विशेस, फॉर एग्जाम्पल मैं आपके लिए प्रे करूं, मे ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स गेट थ्रू द एग्जाम, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस, जहां मैं आपके लिए प्रे कर रही हूँ। तो ऐसे कोई भी सेंटेंसेस जहां आप किसी के लिए विश कर रहे हो, किसी को कर्स कर रहे हो, किसी के लिए प्रे कर रहे हो, इन तीन चीजों को जब आप किसी सेंटेंस में एक्सप्रेस करते हो, विश को, कर्स को, प्रे को, उस सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। और लास्ट एक टाइप का सेंटेंस जो आएगा, दैट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस,
ठीक है, कौन सा सेंटेंस? इंपेरेटिव सेंटेंस। देखो इंपेरेटिव सेंटेंस अब कौन सा सेंटेंस होता है, दैट इज योर फिफ्थ टाइप ऑफ सेंटेंस इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंस होता है जहां पे आप किसी को कोई कमांड दे रहे हो, या किसी को कोई ऑर्डर दे रहे हो, या किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो जब आप किसी सेंटेंस को यूज कर रहे हो किसी को कमांड देने के लिए, जैसे मैं आपको डांट के बोलूं फिनिश योर होमवर्क, शट द डोर, ये क्या हुई? कमांड हुआ या ऑर्डर हुआ? रिक्वेस्ट क्या होगी? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं मे आई बोरो योर पेन, सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ रिक्वेस्ट। आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ ना, प्लीज मे आई बोरो योर पेन, ठीक है, प्लीज हेल्प मी, तो प्लीज हेल्प मी क्या हुआ? रिक्वेस्ट हुई, तो दिस इज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो ऐसे सेंटेंसेस जहां पे आप कमांड ऑर्डर या रिक्वेस्ट कर रहे हो वो कौन से सेंटेंसेस होंगे? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, राइट। तो ये सेंटेंसेस वाला एक छोटा सा पार्ट था जो मैंने आपको रिवाइज करा दिया है, इसको हम सेंटेंसेस चैप्टर में भी पढ़ेंगे, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। बट अभी के लिए ये इसलिए रिवाइज करा है क्योंकि हम यहाँ पे फिर एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ने वाले, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए ये जो एफर्मेटिव सेंटेंस हम यहाँ ये पढ़ने वाले हैं, ये जो एफर्मेटिव सेंटेंस है ये आया कहाँ से? ये यहाँ से आया। एजर्टिव सेंटेंस की वन ऑफ द टाइप इज एफर्मेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? वन ऑफ द टाइप ऑफ द एजर्टिव सेंटेंस ओनली। फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस अलग होता है, राइट। तो ये सब आपके टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं जिसको डिटेल में हम सेंटेंसेस में पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। अब देखो सिंपल फ्यूचर पढ़ रहे थे, सिंपल फ्यूचर में सिंपल एक्शन ऑफ फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस को यूज करते हैं। उसमें भी देखो एफर्मेटिव, एफर्मेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? पॉजिटिव सेंटेंसेस। इसमें स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, वी वन फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट होगा। अब वी वन फॉर्म ऑफ द वर्ब कौन सा फॉर्म होता है? जो कि कैसे सब्जेक्ट के साथ यूज होता है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, राइट। एंड वी फाइव फॉर्म ऑफ द वर्ब कहाँ यूज होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, राइट। बट क्योंकि हम यहाँ विल एंड शैल हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, तो फ्यूचर टेंस में आप बेसिकली क्या यूज करोगे? वी वन फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज करोगे। यहाँ पे ये वाला लॉजिक नहीं लगाओगे, यहाँ आपके पास दो ऑप्शंस नहीं है कि वी वन और वी फाइव में से आप चूज करो, यहाँ आपको सिर्फ एक ही यूज करना है, वी वन, राइट। तो सिंपल फ्यूचर में क्या सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहेगा? सब्जेक्ट, विल या शैल हेल्पिंग वर्ब, वी वन फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज होगा, और ऑब्जेक्ट। देखो शी विल सिंग, सिंग इज वी वन फॉर्म ऑफ द वर्ब, अगर सिंग्स होता तो क्या होता? वी फाइव फॉर्म ऑफ द वर्ब। अ स्वीट सॉन्ग इज ऑब्जेक्ट। आई विल राइट इज वी वन फॉर्म ऑफ द वर्ब, हिम अ लेटर इज ऑब्जेक्ट। ये देखो सब्जेक्ट एरा आई, विल जो है गेरा हेल्पिंग वर्ब, वी विल सी हर यस्टरडे। अब वी देखो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल, बट स्टिल वर्ब की कौन सी फॉर्म है? वी वन फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल फ्यूचर में हमेशा वी वन फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है, ये लॉजिक मत यूज करना सिंपल फ्यूचर में। जो हम प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज कर रहे थे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या बन रहा था एफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट था, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या यूज कर रहे थे? वी वन और वी फाइव फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, यही यूज कर रहे थे। यहाँ पे वी वन कब यूज हो रही थी? जब सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल। और वी फाइव कब यूज हो रही थी? जब सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर, राइट। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये आपको मैं डिफरेंस बता रही हूं। अब जब हमने सिंपल पास्ट का पढ़ा था, याद है अफर्मेटिव सेंटेंस क्या पढ़ा था? आई एम जस्ट मेकिंग यू रिवाइज द थिंग्स, वी हैव ऑलरेडी डन दिस। सिंपल पास्ट का जब अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा था तो क्या पढ़ा था? सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट, यही पढ़ा था ना। ओनली टेंस टू यूज वी टू फॉर्म ऑफ द वर्ब, ओनली टेंस टू यूज वी टू फॉर्म ऑफ द वर्ब, यही पढ़ा था। अब डिफरेंस देखो सब में, देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी यूज हो रहा है सिंपल फ्यूचर में, यहाँ पे नहीं यूज हो रहा सिंपल पास्ट प्रेजेंट में। सिंपल पास्ट में भी हम लोग बेसिकली यूज नहीं कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब, यहाँ वी वन फॉर्म ही यूज हो रही है, यहाँ पे वी वन या वी फाइव में से कोई भी यूज हो रही है, डिपेंड किस पे करेगा? सब्जेक्ट पे। यहाँ पे हम वी टू फॉर्म ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। सिंपल प्रेजेंट का ये रहा एफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल पास्ट का ये रहा एफर्मेटिव सेंटेंस,
और सिंपल फ्यूचर का ये रहा एफर्मेटिव सेंटेंस। अब सबको समझ में आ रहा है, धीरे धीरे क्लियर हो रहा है सब कुछ, डिफरेंसेस क्लियर हो रहे हैं सबको कि सिंपल फ्यूचर के एफर्मेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर है, सिंपल प्रेजेंट का देखो क्या है और सिंपल पास्ट का क्या है, राइट? आई होप अब चीजें और बेटर तरीके से क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, अब देखो इसी सेंटेंस को जब नेगेटिव में बनाना है तो सारा सेंटेंस सेम है, यहाँ पे क्या ऐड कर देना है, नॉट, बस वही देखो यहाँ पे किया। शी विल सिंग अ स्वीट सॉन्ग को अगर नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करोगे तो क्या बनेगा, शी विल नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग। सिर्फ नॉट ही तो ऐड किया, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, सिंग जो है वी1 फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ऑब्जेक्ट, देखो सेम स्ट्रक्चर है ये वाला। आई विल नॉट राइट हिम अ लेटर, वी विल नॉट सी हर यस्टरडे, ये सब इन सेंटेंसेस के बेसिकली क्या है, नेगेटिव भी तो है, राइट? मुझे स्पीड जल्दी से कमेंट करो, किसी को स्पीड को लेके तो इशू नहीं है, एम आई टीचिंग टू फास्ट और टू स्लो और द स्पीड इज ओके। मीनवाइल यहां देखो नोट में फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस में एफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस में आप आई और वी के साथ, अगर सब्जेक्ट आई या वी है उसके साथ आप बेसिकली क्या यूज करते हो, विल या शैल, दोनों यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज जरूर याद रखना, मैंने यहाँ नोट में मेंशन की है, फ्यूचर टेंस में एफर्मेटिव सेंटेंस अगर है या नेगेटिव सेंटेंस है उसके साथ उस सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है अगर आई या वी कुछ भी यूज किया हुआ है आप दोनों चीजें यूज कर सकते हो। आई विल वी विल भी करेक्ट होगा, आई शैल वी शैल भी करेक्ट होगा, दोनों चीजें क्या होंगी, करेक्ट होंगी, राइट? ओके ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है? तो अब इंटेरोगेटिव, हम हर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यही कर रहे थे, नॉट जस्ट फ्यूचर टेंस। जब हमने सिंपल प्रेजेंट का पढ़ा, सिंपल पास्ट का पढ़ा, तब भी हम यही कर रहे थे, हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आ रहे थे, फिर सब्जेक्ट लिख रहे थे, फिर मेन वर्ब लिख रहे थे और फिर ऑब्जेक्ट लिख रहे थे। ऐसा क्यों कर रहे थे, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही ये होगा, राइट? अब देखो यहाँ पे सिंपल फ्यूचर का इंटेरोगेटिव सेंटेंस, विल या शैल हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट से पहले आ गया, सब्जेक्ट यहाँ पे V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर द सब्जेक्ट, वही किया हमने, हेल्पिंग वर्ब को क्या लिखा, सब्जेक्ट से पहले। अब जरा इस वाली स्लाइड पे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन टू दिस स्लाइड। यहाँ पे क्या था, एफर्मेटिव सेंटेंस, शी विल सिंग अ स्वीट सॉन्ग, इसका क्या हो जाएगा इंटरोगेटिव, विल शी सिंग अ स्वीट सॉन्ग। आई विल राइट हिम अ लेटर का क्या हो जाएगा, विल आई राइट हिम अ लेटर। वी विल सी हर यस्टरडे का क्या हो जाएगा, विल वी सी हर यस्टरडे। बन गए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दो। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या करोगे, खुद से सोचो, देखो लॉजिक यूज करो खुद से, सब सब समझ में आएगा। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दो सेंटेंसेस को मिक्स करना है ना, यानी स्ट्रक्चर किसका यूज होगा, इंटेरोगेटिव का, और उसी सेंटेंस को नेगेटिव बना देंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमने क्या पढ़ा था, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या पढ़ा था, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही स्ट्रक्चर पढ़ा था, एंड अ क्वेश्चन मार्क। अब क्योंकि ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, यानी एक ऐसा इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो नेगेटिव भी है, तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। देखो विल शी सिंग अ स्वीट सॉन्ग का क्या हो जाएगा, विल शी नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग, बन गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव। विल आई राइट हिम अ लेटर क्या हो जाएगा, विल आई नॉट राइट हिम अ लेटर। विल वी सी हर यस्टरडे का क्या हो जाएगा, विल वी नॉट सी हर यस्टरडे। सिंपल बन गए इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। देखो अब प्रीवियस स्लाइड जहां से हम आए हैं, ये देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में वही दिया हुआ है, विल शी सिंग अ स्वीट सॉन्ग, शैल आई राइट हिम अ लेटर, शैल वी सी हर यस्टरडे। ठीक है,
अभी एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में आई और वी के साथ आप दोनों चीजें यूज कर रहे थे, कौन सी, शैल बी और विल बी, एंड बोथ वर करेक्ट. बट यहाँ पे देखो फ्यूचर टेंस में इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस जब भी होंगे, और वहां पे अगर सब्जेक्ट आई और वी यूज किया है तो ओनली शैल यूज करोगे आप. मतलब यहाँ पे जैसे सब्जेक्ट जो है आई है, यहाँ पे वी है, तो सिर्फ शैल ही हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, विल हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करोगे. विल कब यूज कर सकते हो, जब सेंटेंस क्या है एफर्मेटिव या नेगेटिव, कौन से टेंस में, फ्यूचर टेंस में. सो कोई भी सेंटेंस अगर आपको फ्यूचर टेंस में या तो एफर्मेटिव गिवन है या नेगेटिव, और उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट गिवन है वो क्या है, ईदर आई और वी, उस केस में आप इन दोनों सब्जेक्ट्स के साथ क्या यूज कर सकते हो, विल भी यूज कर सकते हो और शैल बी. ये हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा. सोचो आप फ्यूचर टेंस का अगर इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट आई या वी मिल जाता है, तो फिर क्या आपको सेम ही रूल ये वाला अप्लाई करना है या चेंज करना है. तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि इस केस में अगर फ्यूचर टेंस का इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है और वहां पे आपको सब्जेक्ट आई या वी मिलता है, तो उसके साथ आप हमेशा क्या यूज करोगे, शैल ही यूज करोगे. ठीक है, इस केस में आप विल यूज नहीं करोगे इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के केस में. ठीक है, तभी यहाँ पे आई के साथ क्या यूज किया, शैल. वी के साथ क्या यूज किया, शैल. अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव में देखो, शैल आई, क्योंकि कौन सा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, सब्जेक्ट क्या है आई, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है वी, तो क्या यूज करेंगे, शैल. विल क्यों नहीं यूज किया यहाँ पे इन दोनों सेंटेंसेस में आई या वी के साथ, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज वन ऑफ द रूल्स. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. चलिए ओके, चलिए विद दिस वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस. देखो अब जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा था, देखो साथ साथ कंपेयर करके इसलिए चल रही हूं ताकि अगर आप लोगों ने रिवीजन नहीं भी किया है तो मैं आपको साथ साथ रिवाइज भी करा दूं और कुछ कंफ्यूजन ना हो. ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जब पढ़ रहे थे, हम देख रहे थे प्रेजेंट में जो भी एक्शन कंटिन्यू कर रहा है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम ये टेंस यूज कर रहे थे. फॉर एग्जाम्पल, आई एम ड्रिंकिंग टी, हो गया, मैं चाय पी रही हूं, सिंपल. पास्ट कॉन्टिन्यूअस कब यूज हो रहा था, जब हम लोग पास्ट में एक्शन को क्या कर रहे थे, कंटिन्यू कर रहे थे. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज ड्रिंकिंग टी, मैं चाय पी रही थी. और फ्यूचर में कॉन्टिन्यूअस कब यूज करोगे, जब आप फ्यूचर में एक्शन को क्या करोगे, कंटिन्यू करोगे. व्हेन द एक्शन दैट विल बी गोइंग टू एक्सप्रेस एनी एक्शन दैट विल बी गोइंग ऑन इन द फ्यूचर, जो फ्यूचर में चल रहा होगा, जो फ्यूचर में क्या कर रहा होगा, कॉन्टिन्यू कर रहा होगा. फॉर एग्जाम्पल, आई विल बी ड्रिंकिंग टी, मैं चाय पी रही होंगी, मैं चाय पी रही हूँ, मैं चाय पी रही थी, मैं चाय पी रही होंगी. फ्यूचर में पी रही होंगी ना, यानी कल सुबह पी रही होंगी, या कल दिन में पी रही होंगी, या परसों पी रही होंगी, या नेक्स्ट वीक पी रही होंगी, फ्यूचर में पी रही होंगी, राइट. आई होप ये बेसिक कॉन्सेप्ट सबको समझ आया. अब जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इसका स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था, सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, क्या हो सकता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, इज आर एम, ठीक है, प्लस और क्या हो सकता है, मेन वर्ब. मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, वी फोर फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट. यही पढ़ा था हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर. पास्ट कॉन्टिन्यूअस का एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जो कि हम क्या यूज कर रहे थे, वॉज या वर, प्लस कौन सा फॉर्म ऑफ द वर्ब, वी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब फ्यूचर में देखो इसका एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, विल शैल,
यहाँ पे हम बी भी लगा रहे हैं क्योंकि फ्यूचर में एक्शन हो रहा है उसको एक्सप्रेस करने के लिए। अब देखो कौन सा फॉर्म ऑफ द वर्ब है यहाँ पे, वी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हो रहा है यहाँ पे भी। तीनों कॉन्टिन्यूस टेंस में एक चीज नोटिस कर रहे हो, वी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे भी वी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब है प्रेजेंट में, पास्ट में भी हम वी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज कर रहे हैं और फ्यूचर में भी मेन वर्ब वी फोर है, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है। देख लो यहाँ पे पास्ट में वॉज वर है, प्रेजेंट में इज एम आर है और फ्यूचर में विल शैल एंड देन ऑब्जेक्ट। राइट, शी विल बी सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, आई शैल बी राइटिंग एम अ लेटर, वी विल बी लर्निंग इंग्लिश, आई शैल बी वेटिंग फॉर द बस। यहाँ पे शी क्या है, सब्जेक्ट, विल बी आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, बी इज टू, बी किस लिए यूज हुआ, ताकि हम फ्यूचर के एक्शन को एक्सप्रेस कर सकें। सिंगिंग वी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब, अ स्वीट सॉन्ग इज ऑब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट, शैल हेल्पिंग वर्ब, बी राइटिंग वी फोर एंड हिम अ लेटर ऑब्जेक्ट। सिमिलरली यहाँ पे आई होप ये एफर्मेटिव समझ में आया होगा। अब इसको अगर नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, सब्जेक्ट विल शैल नॉट आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद, ये देखो हेल्पिंग वर्ब के बाद, बी वी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। आई एम सो सॉरी, वी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट आ गया। सिमिलरली इसका नेगेटिव बनाओगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, वी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, यहाँ पे नॉट लगा दोगे। यहाँ पे कहाँ पे नॉट लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद, और आपका ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी क्या बन जाएगा, एफर्मेटिव से नेगेटिव बन जाएगा। अब ये सेंटेंसेस को जब नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा, शी विल नॉट बी सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, ये देखो नॉट, आई विल नॉट बी राइटिंग इम अ लेटर, सी रेस्ट ऑल ऑफ द सेंटेंसेस सेम, पूरा का पूरा सेंटेंस यहाँ पे सेम है, बस नॉट ऐड किया। वी विल नॉट बी लर्निंग इंग्लिश, आई शैल नॉट बी वेटिंग फॉर द बस, बन गया नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब इंटेरोगेटिव बनाना होगा तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे सब्जेक्ट से और सब्जेक्ट को यहाँ ले जाएंगे। देखो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब फ्यूचर में हम सब हेल्पिंग वर्ब क्या यूज कर रहे हैं, या तो विल या शैल, सब्जेक्ट मेन वर्ब बेसिकली क्या हो रहा है, बी फोर, बट सब्जेक्ट के बाद बी भी तो लगाओगे क्योंकि हम तो यहाँ बी भी यूज कर रहे हैं, प्लस यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, वी फोर एंड ऑब्जेक्ट, ये आपका क्या बन जाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। विल इसको करें इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट, विल शी बी सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, बन गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इसको करो इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट, देखो शैल हेल्पिंग वर्ब है ना यहाँ पे, शैल, आई सब्जेक्ट है, उसके बाद सारा सेंटेंस सेम, बी राइटिंग हिम अ लेटर, बन गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सिर्फ क्या चेंज किया यहाँ पे, सब्जेक्ट की और हेल्पिंग वर्ब की पोजिशन, दैट्स इट। विल वी बी लर्निंग इंग्लिश क्या बना, इंटेरोगेटिव, शैल आई बी वेटिंग फॉर द बस, इंटेरोगेटिव। राइट, अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए, विल शी नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली अगर मुझे इसको इंटेरोगेटिव नेगेटिव को, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को इंटेरोगेटिव नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या लिखूंगी, देखो ना यहाँ पे, विल शी बी सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग को अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो विल शी नॉट बी सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, दैट मीन्स ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद नॉट डाला मैंने यहाँ पे। शैल आई बी राइटिंग हिम अ लेटर का क्या हो जाएगा, शैल आई नॉट बी, शैल आई यहाँ पे नॉट लगाया, बी राइटिंग हिम अ लेटर, बन गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव। नेक्स्ट स्लाइड में देखो ऐसे ही एक्सप्लेन किया होगा, ये देखो इंटेरोगेटिव में क्या यूज किया, विल शैल हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट बी वी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट विल शी बी सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, विल आई बी राइटिंग हिम अ लेटर, विल वी बी लर्निंग इंग्लिश, शैल आई बी वेटिंग फॉर द बस, सब में हेल्पिंग वर्ब देखो आ गया और सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद, उसके बाद सारा सेंटेंस सेम है जो अफर्मेटिव में था। ठीक है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में देखो यहाँ पे सेम सेंटेंस है इंटेरोगेटिव, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद क्या लगाया, नॉट। ठीक है, जब सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे हमने नॉट लगाया तो क्या बना, क्या बना, देखो जब सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट लगाया तो हमारे पास इंटेरोगेटिव नेगेटिव आया, विल शी नॉट बी सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, देखो विल शी नॉट
सब्जेक्ट के बाद नॉट। शैल आई नॉट बी राइटिंग यू मे लेटर, शैल वी नॉट बी लर्निंग इंग्लिश, शैल आई नॉट बी वेटिंग फॉर द बस। तो ये आपका कौन सा सेंटेंस बन गया? दिस इज योर इंटेरोगेटिव नेगेटिव। आई होप इट इज क्लियर। इतना सबको समझ में आया? जल्दी से बताओ, इतना सबको समझ में आया? शैल वी मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्यूचर टेंस? फ्यूचर परफेक्ट देखो। देखो, अब फ्यूचर टेंस में हमने क्या पढ़ा था परफेक्ट में, फ्यूचर में नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट में और बेसिकली पास्ट परफेक्ट में, ठीक है? एफर्मेटिव का ही डिस्कस करेंगे। देखो क्या पढ़ा था, सॉरी मैंने एग्जांपल लिखना शुरू कर दिया, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। अभी देखो स्ट्रक्चर एफर्मेटिव का क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा, हैज या हैव, V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, यही पढ़ा था, ठीक है? ऐसा काम जो आप बेसिकली क्या कर चुके हो, प्रेजेंट में फिनिश कर चुके हो, प्रेजेंट में जो फिनिश कर चुके हो उसको एक्सप्रेस करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल आई हैव डन माई होमवर्क। I is your subject, have helping verb, done is V3 form of the verb, my homework is object. बन गया present perfect tense? ऐसा काम जो आप present में क्या कर चुके हो, finish कर चुके हो। Past perfect में ऐसा काम जो आप past में finish कर चुके हो। Structure क्या बनेगा? I had done my homework. यानी subject आएगा, had is your helping verb, V3 form of the verb and object. ये अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया पास्ट परफेक्ट का, ठीक है? सिमिलरली अब फ्यूचर में देखो, देखो फ्यूचर परफेक्ट में कैसा एक्शन एक्सप्रेस करोगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो आप कब फिनिश करोगे, ऐसा काम जो आप कब फिनिश करोगे, फ्यूचर में फिनिश करोगे, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आई विल हैव डन माई होमवर्क, सेम एग्जाम्पल ले रही हूँ ये, देखो आई हैव यूज द सेम एग्जाम्पल इन ऑल थ्री। आई हैव डन माई होमवर्क, प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जाम्पल आ गया ना। आई हैड डन माई होमवर्क, पास्ट परफेक्ट का मतलब पास्ट में काम खत्म किया। आई विल हैव डन माई होमवर्क मतलब मैं फ्यूचर में काम क्या कर दूंगी, खत्म कर दूंगी, ठीक है? तो ये हुआ इसका एफर्मेटिव सेंटेंस। अब एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, देखो क्या बना स्ट्रक्चर इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट है, विल जो है वो बेसिकली क्या आ जाएगा आपका, हेल्पिंग वर्ब, बट यहाँ पे हम हैव भी यूज करेंगे, ठीक है? डन आ जाएगा V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। और देखो यही सेम स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट विल या शैल हेल्पिंग वर्ब, हैव V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, और तीनों जगह हम V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज कर रहे हैं परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट में भी, फ्यूचर परफेक्ट में भी, पास्ट परफेक्ट में भी। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा, पास्ट परफेक्ट पढ़ा, फिर फ्यूचर परफेक्ट, ऐसे पढ़ने को हम क्या बोलते हैं, कंपैरेटिव स्टडी, जहां पे हमें छोटे छोटे डिफरेंसेस जो है वो क्लियर हो जाते हैं हर कॉन्सेप्ट के। जैसे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हो रहा था, व्हाट वाज द हेल्पिंग वर्ब दैट वाज यूज्ड हियर, हैज या हैव। देखो पास्ट परफेक्ट में हैड यूज हो रहा था और फ्यूचर में विल या शैल हैव यूज हो रहा है ना? तो ऐसे छोटे छोटे डिफरेंसेस जो है वो करने की कोशिश किया करो ताकि कंफ्यूजन ना आ रहे। अब देखो शी विल हैव रिटन अ लेटर, शी इज योर सब्जेक्ट, विल हैव इज योर हेल्पिंग वर्ब, रिटन इज V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब, अ लेटर इज ऑब्जेक्ट, सेम स्ट्रक्चर। ही विल हैव प्लेड फुटबॉल, वी विल हैव लर्न्ड इंग्लिश, आई शैल हैव वेटेड फॉर द बस, हर जगह V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब है, देख लो विल हैव शैल हैव, सेम हेल्पिंग वर्ब्स, और सब्जेक्ट देख लो राइट। अब यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है तो भी सेम है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो भी सेम है, वर्ब की एक ही फॉर्म यूज होगी V3 राइट। नेगेटिव बनाना इसको तो क्या होगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड कर दो,
शी विल हैव रिटन अ लेटर का क्या हो जाएगा? शी विल नॉट हैव रिटन अ लेटर. ही विल नॉट हैव प्लेड फुटबॉल. वी विल नॉट हैव लर्न्ड इंग्लिश. आई शैल नॉट हैव वेटेड फॉर द बस. हुए टेंसेस याद? देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी रिवाइज हो गया, पास्ट परफेक्ट भी रिवाइज हो गया. सिमिलरली हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और सिंपल प्रेजेंट भी रिवाइज कर लिया, और यहाँ पे सिंपल पास्ट एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी रिवाइज किया. अगर आपको हर टेंस का सिर्फ एफर्मेटिव का भी स्ट्रक्चर याद है ना, आप नेगेटिव इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस खुद की अंडरस्टैंडिंग से ही बना लोगे. अब मैं आपको सबके अफर्मेटिव सेंटेंसेस कराई जा रही हूँ ना, और उन्हीं अफर्मेटिव सेंटेंसेस से देखो फर्दर नेगेटिव इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म हो रहे हैं. कुछ अलग तो नहीं कर रहे हम, कोई स्लाइड्स नहीं देख रहे हम. हम लोग प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस की स्लाइड रेफर भी नहीं कर रहे हैं. आप लोग इस तरीके से अगर कंपैरेटिवली पढ़ोगे ना तो आपको चीजें याद हो जाएंगी, राइट? तो ये नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा फ्यूचर परफेक्ट का. अब देखो इंटेरोगेटिव बनाने के लिए फिर वही लॉजिक यूज करो, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले और सब्जेक्ट यहाँ पे, कीप रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट सेम, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस सेम. देखना यही लॉजिक होगा. सिर्फ आपको इतनी सी चीज याद रखनी है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब्स कम बिफोर द सब्जेक्ट, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज ऑलवेज सेम, ऑलवेज. यू जस्ट हैव टू इंसर्ट अ क्वेश्चन मार्क आफ्टर द सेंटेंस, दैट्स इट. अब देखो नेक्स्ट स्लाइड पे चलती हूँ. यही यही लॉजिक होगा. यही लॉजिक्स आपको भी यूज करने हैं जो मैं यूज कर रही हूँ. ये देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस में देखो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट हैव V3 ऑब्जेक्ट. बिल्कुल यही पढ़ा था ना एफर्मेटिव में, सिर्फ सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन ही तो चेंज हुई इंटरोगेटिव में, राइट? विल शी हैव रिटन अ लेटर? एफर्मेटिव सेंटेंस क्या था? शी विल हैव रिटन अ लेटर. ये था एफर्मेटिव सेंटेंस, इसको इंटरोगेटिव बना दिया. देखो विल को शी की जगह डाल दी और शी को विल की जगह. विल शी हैव रिटन अ लेटर? देखो V3 फॉर्म सेम. विल ही हैव प्लेड फुटबॉल? विल वी हैव लर्न्ड इंग्लिश? शैल आई हैव वेटेड फॉर द बस? कुछ भी चेंज नहीं हुआ यहाँ पे सेंटेंसेस में. हैव के बाद सारा सेंटेंस सेम है, सिर्फ सब्जेक्ट को और हेल्पिंग वर्ब की जगह और हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट की जगह इंटरचेंज करना, ठीक है? सिमिलरली इंटेरोगेटिव नेगेटिव देखो सेम सेंटेंस इंटेरोगेटिव क्या किया? सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड कर दिया, बस सिंपल. कुछ भी और नहीं छेड़ा, देख लो एवरीथिंग इज सेम. यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है. हैव आ जाएगा, हैव आ जाएगा. V3 आ जाएगा, V3. ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट. सारा स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ एक चेंज क्या आया यहाँ पे? नॉट का, क्योंकि सेंटेंस क्या है? इंटेरोगेटिव नेगेटिव. इंटेरोगेटिव तो है ही है, इसीलिए सेम स्ट्रक्चर यूज किया यहाँ पे, यही वाला. बट नेगेटिव भी है, हेंस यहाँ पे नॉट ऐड कर दिया. विल शी हैव रिटन अ लेटर? विल शी नॉट हैव रिटन अ लेटर? विल ही हैव प्लेड फुटबॉल? विल ही नॉट हैव प्लेड फुटबॉल? विल वी हैव लर्न्ड इंग्लिश? विल वी नॉट हैव लर्न्ड इंग्लिश? शैल आई हैव वेटेड फॉर द बस? शैल आई नॉट हैव वेटेड फॉर द बस? समझे? आई होप यू गाइज आर गेटिंग क्लियर ऑन द लॉजिक्स दैट वी आर यूजिंग. ठीक है, नेक्स्ट देखो आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. अच्छा मुझे ये बताओ, सिंस द क्लास का टाइम हो चुका है, यू वांट मी टू कंटिन्यू विद दिस टेंस या यू वांट टू डू दिस टेंस टुमारो? कल हम लोग नया चैप्टर भी शुरू करेंगे, वॉइस. जल्दी से बताओ, यू वांट मी टू फिनिश दिस चैप्टर और यू वांट मी टू स्टॉप द क्लास? ओके, फिनिश करते हैं चैप्टर को, ठीक है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देखो. देखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से शुरू करेंगे, ठीक है? प्रेजेंट
फिर हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, और एफर्मेटिव सेंटेंसेस रिवाइज करेंगे, और फिर हम बात करेंगे इसकी। ओके, पहले वाले कॉन्सेप्ट्स जो पढ़ के आए हैं उनको देखते हैं। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है, कोई ऐसा काम हम, कोई ऐसा एक्शन एक्सप्रेस कर रहे थे जो पास्ट में क्या हुआ हो, स्टार्ट हुआ हो, और प्रेजेंट में क्या कर रहा हो, कंटिन्यू कर रहा हो। सेम यहाँ पे, ऐसा एक्शन जो पास्ट में क्या हुआ हो, स्टार्ट हुआ हो, और पास्ट में क्या कर रहा हो, कंटिन्यू कर रहा हो, ठीक है। और फ्यूचर परफेक्ट में ऐसा एक्शन जो बेसिकली क्या हुआ हो, फ्यूचर में स्टार्ट होगा और फ्यूचर में ही कंटिन्यू करेगा या फिनिश करेगा, राइट। तो सेम यहाँ पे फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर में क्या हुआ होगा, फ्यूचर में क्या होगा, स्टार्ट होगा, और फ्यूचर में ही कंटिन्यू करके फ्यूचर में ही क्या करेगा, फिनिश करेगा, राइट। तो इसको बेसिकली हम क्या, ऐसे एक्शंस को हम कहाँ एक्सप्रेस करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट के कोई भी एक्शंस जो पास्ट में स्टार्ट हुए, प्रेजेंट में कॉन्टिन्यू करके खत्म हुए। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ऐसे एक्शंस जो पास्ट में स्टार्ट हुए और पास्ट में कंटिन्यू करके फिनिश हुए, और फ्यूचर के ऐसे एक्शंस जो फ्यूचर में स्टार्ट हुए, फ्यूचर में कंटिन्यू करके फ्यूचर में ही फिनिश हो जाएंगे। इन एक्शंस को हम कौन से टेंस में एक्सप्रेस करते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, पास्ट का एक्शन था तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, और फ्यूचर का एक्शन था तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। अब देखो प्रेजेंट जो था, प्रेजेंट टेंस जो था, उसमें हमने बेसिकली क्या स्ट्रक्चर पढ़ा था, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमने बेसिकली क्या स्ट्रक्चर पढ़ा था, बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर पढ़ा था, सब्जेक्ट था, ठीक है। देखो सब्जेक्ट था, ठीक है, उसके बाद बेसिकली क्या था, हेल्पिंग वर्ब था, बीन यूज कर रहे थे, और बेसिकली कौन सा फॉर्म ऑफ द वर्ब, बी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज कर रहे थे, ऑब्जेक्ट यूज कर रहे थे, और सिंस या फॉर यूज कर रहे थे, किसके लिए, टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर हमने कहाँ पढ़ा था, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या था, हैज या हैव बीन, बी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर एन आर। आई सब्जेक्ट हैव बीन यहाँ पे यूज किया, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव, क्यों आई के साथ हम हैव ही यूज करते हैं, बीन क्या एक्सप्रेस करने के लिए, कि एक्शन जो है चल रहा था, कब से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, टीचिंग वी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब, यू इज ऑब्जेक्ट, फॉर क्यों यूज किया, टू एक्सप्रेस द टाइम, ठीक है। फॉर और सिंस का डिफरेंस समझाया था लास्ट, ओके। तो ये बेसिकली क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट में स्ट्रक्चर पढ़ा था, ठीक है। जब आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल होगा, सब्जेक्ट रहेगा, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, हैड, पास्ट टेंस है ना, बीन कौन सा फॉर्म ऑफ द वर्ब, वी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर में से एक चीज यूज करोगे अगर सच स्टेटमेंट में टाइम मेंशन है तो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इस पर्टिकुलर टेंस में, यहाँ पे क्या था हेल्पिंग वर्ब, हम लोग क्या यूज कर रहे थे यहाँ हेल्पिंग वर्ब, हैज या हैव यूज कर रहे थे प्रेजेंट में, फ्यूचर में देख, पास्ट में देखो हैड यूज कर रहे हैं, और फ्यूचर में हम लोग यहाँ क्या यूज करेंगे वो भी हम देखेंगे, विल और शैल यूज करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो आई हैड बीन टीचिंग यू फॉर एन आर, ये सेम स्टेटमेंट को अगर मुझे पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना हुआ तो मैंने यहाँ पे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज किया, हैव से क्या कर दिया, हैड, ये बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और सॉरी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से क्या बना दिया मैंने यहाँ पे, पास्ट टेंस, कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करके, ये वाला, ठीक है। अब देखो एफर्मेटिव सेंटेंसेस जो है फ्यूचर परफेक्ट में, सब्जेक्ट आएगा, विल शैल जो हेल्पिंग वर्ब आएगा,
हैव आएगा, बीन आएगा, बी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, क्या बन जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एफर्मेटिव सेंटेंस, राइट? ओके, फॉर एग्जाम्पल इसी सेंटेंस को अगर मुझे परस्यू करना हो एफर्मेटिव फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो मैं कैसे लिखूंगी, आई विल या फिर आई शैल, आई के साथ हम यूजली शैल यूज करते हैं, तो मैं यहाँ पे शैल यूज करूंगी, ठीक है? I shall have been teaching you for an hour. तो ये कौन सा टेंस बन गया, देखो कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस शैल से पता चल रहा है हेल्पिंग वर्ब से, देखो हैड से पता चल रहा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, और हैव से पता चल रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आई होप तीनों में डिफरेंस समझ आ रहा होगा, तीनों का स्ट्रक्चर भी याद रह रहा होगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब बीन वी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट सिंसियर फॉर, और सारे स्ट्रक्चर सेम है, बेसिक स्ट्रक्चर यही है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, देखो व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है, बीन है, वी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब है एंड ऑब्जेक्ट, बेसिक स्ट्रक्चर यही है, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है तीनों में। प्रेजेंट में प्रेजेंट वाला यूज करोगे, पास्ट में पास्ट वाला यूज करोगे जो कि हैड है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बहुत सिंपल था हैज और हैव, और फ्यूचर में ये देखो फ्यूचर वाला यूज किया है शैल, ठीक है? एफर्मेटिव समझ में आ गया सबको? अब इसी एफर्मेटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट करना हो तो सब कुछ सेम रखोगे, यहाँ पे विल या शैल के बाद नॉट लगा दो, ये देखो आ गया नॉट। शी विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर का क्या हो जाएगा, शी विल नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। ही विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। वी विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, वी विल नॉट हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। I shall have been waiting for the bus. I shall not have been waiting for the bus. Right? अब इसी sentence को interrogative में convert करो। यार खुद से जब घर पे practice करोगे, सिर्फ affirmative sentences याद करना, सिर्फ affirmative sentences को cram करना या रट्टा मारना, ठीक है? Learn करना, उसको memorize करना। Rest of the sentences negative, interrogative, interrogative, negative। जैसे ये मैं logics use कर रही हूँ, इन logics को use करके rough copy में practice करना, ताकि याद हो जाए, पेपर में बनाने आ जाए। इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखो, हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद हैव बीन वी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, यही आएगा देखना। शी विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर का इंटेरोगेटिव क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, इसका होगा विल शी हैव बीन राइटिंग अ लेटर, ये बेसिकली क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ विच टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसको करो, देखो विल ही हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, बन गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। मैंने क्या किया, कुछ भी तो नहीं किया, देखो मुझे सिर्फ एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर याद था, और मुझे ये पता था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट से पहले आता है, मैंने सारा स्ट्रक्चर सेम रखा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह शिफ्ट किया, और बन गया मेरा इंटरोगेटिव सेंटेंस। और सारे सेंटेंसेस देखो ऐसे ही हो रहे होंगे, मैं दिखाती हूँ नेक्स्ट स्लाइड में बिफोर फिनिशिंग द चैप्टर। ये देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस, विल शैल सब्जेक्ट हैव बीन बी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, विल शी हैव बीन राइटिंग अ लेटर, विल ही हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, विल वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, शैल आई हैव बीन वेटिंग फॉर द बस। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव में मैं क्या लॉजिक लगाती हूँ कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर इज ऑलवेज सेम, ऑलवेज वन डिफरेंस क्या होता है, नॉट का। और नॉट हम कब लगाते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद। तो इन सेंटेंसेस को अगर मुझे इंटेरोगेटिव नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, विल शी हैव बीन राइटिंग अ लेटर का विल शी नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर, विल ही नॉट हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, Will he not have been learning English? Shall I not have been waiting for the bus? यही होगा ना, राइट? तो ये जो थे आपके फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के तीनों चारों जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस थे, एफर्मेटिव, नेगेटिव,
इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस हमने सब फिनिश कर दिए हैं, और इसी के साथ आपका फ्यूचर टेंस भी आज क्या होता है, खत्म होता है, और इसी के साथ आपका टेंसेस चैप्टर भी बेसिकली क्या होता है, खत्म होता है। ठीक है, वी हैव डन द टेंसेस चैप्टर। कल से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, वॉइस। ठीक है, ओके बेबी, ओके बच्चों, किसी को कुछ डाउट्स हैं तो सारे बच्चे जो भी मुझे लाइव सुन रहे हैं वो बेसिकली कमेंट करें कमेंट सेक्शन में। अगर नहीं है डाउट्स तो भी बेसिकली कमेंट करो ताकि मुझे पता चल जाए एवरीथिंग इज क्लियर। ओके बच्चों, ओके, चलिए, इफ यू गाइस डोंट हैव एनी डाउट, राइट, विद दिस आई जस्ट वाइंड अप द क्लास। टुमारो वी विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर, एंड द न्यू चैप्टर इज गोइंग टू बी वॉइस, राइट, एंड आई ट्राई फिनिशिंग द चैप्टर ऑन टाइम। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। आई सी यू टुमारो इन टुमारोज क्लास। थैंक यू सो मच।